ऑपरेशन चीख महल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक यह सामने आ चुका है कि कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया, रेनोवेशन की परिश्रम लेकर कंस्ट्रक्शन कराया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने के बजाय पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बना डाली गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए, करोड़ों का मार्बल लगाया गया। ऑपरेशन शीश महल में खुलासे में कई चौंकाने वाली बातें निकल कर सामने आई थी। जनता ने सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले में लगे 45 करोड़ का सच जाना था। इसके बाद ही केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर है। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन शीश महल में मैडम सीएम के बारे में पता चला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह मैडम सीएम कौन है। यह कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। जी हाँ, पड़ताल में यह बात निकलकर सामने आई है कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को पत्नी सुनीता केजरीवाल निर्देश देती थी। टाइम्स नाउ नवभारत को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है। अभी तक आपको यही पता है कि केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उसे आलीशान बनाने में न जाने क्या क्या नहीं लगाया, वियतनाम की मार्बल से लेकर 23 लाख के पर्दे तक सब कुछ। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसमें तो कुछ और ही सामने आया है। जो पेपर हाथ लगे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल के घर में 45 नहीं बल्कि 52 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर पैसे खर्च हुए हैं। सीएम के सरकारी बंगले को शीश महल बनाने का ख्वाब मैडम सीएम यानी उनकी पत्नी ने देखा था। ख्वाब देखे ही जाते हैं, उसे पूरा किए जाने के लिए है। सो मैडम ने जो देखा उसे हकीकत में उतरवाती चली गई। उनके आदेश का पूरी तरीके से पालन भी हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत ने पूरे प्रमाण के साथ यह बात बताई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के हर आदेश का पालन होता था। भला किसकी क्या मजाल की कोई उनके आदेश को ना माने। मैडम सीएम के हिसाब से घर में बदलाव हुए, इनमें खिड़कियों दरवाजों में बदलाव, इंटीरियर किचन लाउंड्री और पेंट्री में बदलाव, फ्लोरिंग आइटम में बदलाव, आर्किटेक्चर की ड्राइंग में स्ट्रक्चरल बदलाव, इंटीरियर में सब कुछ और बदलाव शामिल है। सुनीता केजरीवाल के हर कदम की जानकारी सीएम केजरीवाल को थी। मैडम जो भी महंगे से महंगा आइटम या कोई भी चीज शीश महल के लिए पसंद करती थी उसमें केजरीवाल की हाँ होती थी। मतलब पैसा सरकारी बंगले पर लग रहा था, जनता का पैसा जा रहा था, लेकिन पसंद निजी थी। साहब राजनीति बदलने आए केजरीवाल ने सरकारी बंगले को ही बदलकर शीश महल कर दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।